हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। ऐसे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे दर्शकों को बताइए मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में सफलता मिलेगी। आज अचानक कहीं से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्राएं भी हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। ये तो ठीक है कि धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है, कर्जे जैसी कोई स्थिति भी खड़ी हो सकती है और कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए आज शांत मन से दिन गुजारें तब उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों का भी आज ठीक ठाक दिन है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। भाग्य की हर संभव सहायता मिलेगी। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और गृह जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा। आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वाले आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। कामकाज बहुत अच्छा चलेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, परंतु परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे। सिंह राशि वाले अगर आज अपने आप को विवादों से बचा करके रखें और गुस्सा न बढ़ने दें तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा। लोगों के साथ अच्छा मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों को सुबह सवेरे तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन बाकी के दिन के अंदर योग ठीक नहीं है। भाई बंधुओं के साथ कोई अनबन हो सकती है। घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और रुपए पैसे को लेकर के आज चिंता बनी रहेगी। जानना चाहते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कलह उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनुराशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। शरीर में हर तरह की चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी। आप हर काम को बहुत ही समझदारी के साथ आज के दिन करेंगे और आप बड़ों की बातें आज के दिन पूरी तरह से मान के उनका सत्कार करेंगे। कुंभ राशि वाले आज के दिन कोई नई सोच और उत्साह के साथ कुछ भी नया करने की सोचेंगे। कामकाज में भी अच्छा लाभ होगा और मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी ही रहेगी। मीन राशि वालों का दिन कुछ खास नहीं है। परिवार के साथ तो अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, मन में प्रसन्नता भी बनी होगी, परंतु घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक चिंताएं आज के दिन बढ़ सकती हैं और आर्थिक चिंताएं परेशानी का कारण बन सकती हैं।